हेलो गाइस, कैसा हो? मैं एसके शर्मा। बेटा आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका कंसाइनमेंट अकाउंट का जो नॉलेज है वह अधूरा है, आपसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो बेटा वो है वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे को तो पता ही नहीं चलता है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है कॉस्ट प्राइस पे निकाले या इनवॉइस प्राइस पे निकाले, या इसमें कौन से एक्सपेंस दे, रेकरिंग दे या नॉन रेकरिंग दे। आज हम लोग इसी के बारे में कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले ये जान लो कि एक्चुअल में अनसोल्ड स्टॉक होता क्या है। तो जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, या इसे बेटा अनसोल्ड स्टॉक भी बोला जाता है, ठीक है? वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक बोले या इसे अनसोल्ड स्टॉक बोले। तो बेटा सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्चुअल में अनसोल्ड स्टॉक होता क्या है। तो बेटा जैसा हम लोग जानते हैं कि यहां पर मान लीजिए ए है, ए अपना सामान भेज रहा है किसको, दैट मीन्स बी को, और ये एक कंसाइनी है जिसे हम लोग एजेंट बोलते हैं बेटा, और ये एक कंसाइनर है, ठीक है? यहां पर ए क्या है, बी को दैट मीन्स गुड्स कंसाइन किया, भेजा बेचने के लिए कि तुम मेरा सामान दैट मीन्स सेल करो और इसके बदले में हम कमीशन देंगे। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कंसाइनमेंट है, जो मैंने पहले बताया आपको। तो बेटा जो अनसोल्ड की बात हो रही है ना, तो यहां पर अनसोल्ड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, अनसोल्ड स्टॉक को। एक अनसोल्ड वह होता है बेटा कि हमने उसको दैट मीन्स सेल करने के लिए भेजा। किस पर्पस के लिए भेजा बेटा? सेल करने के लिए भेजा, और सेल करने के लिए भेजा और उसने कुछ गुड्स को सेल किया और कुछ गुड्स को सेल नहीं कर पाया। तो मान लीजिए कि हमने उसको 10,000 को, हम 10,000 का गुड्स हमने सेल करने के लिए भेजा, 10,000 का, तो उसने दैट मीन्स 8,000 का सेल कर दिया और 2,000 का दैट मीन्स सेल नहीं कर पाया। तो इसे भी एक प्रकार का अनसोल्ड ही बोलेंगे। ये 2000 का जो गुड्स है बेटा वो अनसोल्ड स्टॉक कहा जाएगा कंसाइनमेंट के केस में। और एक क्या होता है अनसोल्ड, कि हमने गुड्स को कंसाइन किया, उसने फुल गुड्स अभी तक नहीं बेचा, पूरा का पूरा गुड्स दैट मीन्स सेल किया ही नहीं, पूरा का पूरा गुड्स स्टॉक में गोदाम में पड़ा हुआ है, तो उसे भी दैट मीन्स हम लोग अनसोल्ड स्टॉक ही कहेंगे, ठीक है? तो बेटा सवाल तो उठता यह है कि अब अनसोल्ड स्टॉक को कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम तो ये जान गए कि अगर कोई गुड्स सेल कर रहा है और जो बैलेंस बच जा रहा है उसको भी डेट में अनसोल्ड कहेंगे, और जो गुड्स कंसाइन किया गया है, पूरा का पूरा गुड्स गोदाम में रखा गया है उसको भी नहीं बेचा गया है, तो उसे भी हम अनसोल्ड स्टॉक कहेंगे। तो अब सवाल अराइज होता है कि आप अनसोल्ड स्टॉक को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए उसमें कुछ स्टेप है, कुछ प्रोसीड्यूर है, वो चीज हम लोग इसको फॉलो करेंगे और इसको हम लोग पहले देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है? तो बेटा याद रखना, जब भी अगर आपको कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना हो या अनसोल्ड स्टॉक निकालना हो, तो सबसे पहला जो स्टेप आपको है, जो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ गुड्स निकालना होगा, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स आपको निकालना होगा। अब सवाल उठता है कि ये जो अनसोल्ड गुड्स है किस प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा याद रखना, कंसाइनर जिस प्राइस से कंसाइन करेगा उसी प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर कंसाइनर कॉस्ट प्राइस से दैट मींस गुड्स को कंसाइन कर रहा है, कंसाइनी को माने कॉस्ट प्राइस के साथ भेज रहा है, कि बोला है कि ठीक है हम तुम्हें कॉस्ट प्राइस भी भेजेंगे, तो यहां पर अनसोल्ड गुड्स को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको मान लीजिए कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कंसाइनर कॉस्ट प्राइस तो रहता है लेकिन उसको जो भेजता है तो इनवॉइस प्राइस पे दैट मींस सेंड करता है, तो यहां पर आप इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपको याद रखना है कि कंसाइनर जिस प्राइस से गुड्स को कंसाइन करेगा, जिस प्राइस से गुड्स को भेजेगा कंसाइनी को, उसी प्राइस से यहां पर मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड गुड्स में। अगर कंसाइनर कॉस्ट प्राइस से अगर कंसाइन कर रहा है, कॉस्ट प्राइस से भेज रहा है उसको कंसाइनी को, तो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो अनसोल्ड जितना है। अगर मान लीजिए कि इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है गुड्स को, तो इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको क्वेश्चंस देख के दैट मींस
आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि किस प्राइस पे डेट मीन सेंड किया जा रहा है, कंसाइनी को उसी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ओके, याद रहेगा। अब सवाल तो ये भी उठता है कि सर हम लोग कब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनी में स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि कब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में अनसोल्ड स्टॉक होगा तो बेटा आप समझ जाना कि आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट स्टॉक का या अनसोल्ड स्टॉक का। ये याद रखना कि जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में अनसोल्ड स्टॉक होगा, जैसे मान लीजिए 10,000 का डेट मीन्स बॉक्सेस हमने बेचा, 10,000 बॉक्सेस हमने भेजा कंसाइनी को, उसने 1,000 बॉक्सेस ही डेट मीन्स अभी तक सेल किया, 2,000 बॉक्सेस नहीं सेल किए, तो 2,000 बॉक्सेस का आपका कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर बेटा इसमें हम लोग ऐड करेंगे, याद रखना, कंसाइनर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस, कंसाइनर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस, गुड्स को कंसाइनर के द्वारा गोदाम तक पहुंचाने के लिए, कंसाइनी के गोदाम तक पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंस लगता है उसका प्रोपोर्शनल एक्सपेंस हम लोग निकालेंगे। हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना। फिर बेटा इसमें ऐड करेंगे कंसाइनिंग प्रोपोर्शनल एक्सपेंस, ओ है यहां पर फिर करेंगे कंसाइनिंग प्रोपोर्शनल एक्सपेंस, और बेटा ये तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो यहां पर निकल जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर कंसाइनर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस कैसे निकलेगा, कंसाइनर प्रोपोर्शनल कंसाइनिंग प्रोपोर्शनल एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट होगा। इसको हमेशा याद रखना कि कंसाइनर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस इज इक्वल टू अनसोल्ड स्टॉक, जो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स जो है, इनटू यहां पर बेटा हम लोग लेंगे कंसाइनर एक्सपेंस लेंगे, कंसाइनर का जो एक्सपेंस होगा, और पूरा का डिवाइड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब हमने जो गुड्स भेजा है कंसाइनमेंट पे उससे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा याद रखना कि जब भी अगर कंसाइनर का प्रोपोर्शनल एक्सपेंस निकालेंगे तो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स जितना अनसोल्ड है, जैसे मान लो कि हमने 10 बॉक्सेस उसको भेजे थे और उसमें डेट मीन्स वो 7 बॉक्सेस ही सोल्ड किया, तो बेटा कितना अनसोल्ड हो गया, 3, तो ये 3 बॉक्सेस को यहां पर लिखेंगे। और कंसाइनर का जो एक्सपेंस है, तो कैसे पहचानोगे ये कंसाइनर का एक्सपेंस है, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि गुड्स को कंसाइन करते समय, गुड्स को भेजते समय, तो गुड्स को भेजते समय जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कंसाइनर का होते हैं। याद रखना गुड्स को कंसाइनी तक पहुंचाने में जो भी एक्सपेंस हो जाएंगे, चाहे लोडिंग चार्जेस हो जाएंगे, चाहे वो फ्रेट हो जाएंगे, चाहे एनीबडी डैट मीन्स कैरेज हो जाएंगे, ये सारे जितने होते हैं वो कंसाइनर एक्सपेंस होते हैं। मैं जस्ट लास्ट में भी बताऊंगा कि कंसाइनर एक्सपेंस कौन कौन सा होते हैं, सारा मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कंसाइनर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस इज इक्वल टू अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इनटू कंसाइनर एक्सपेंस डिवाइड बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसी तरह से बेटा अब दूसरा अगर हम लोग निकालेंगे कंसाइनी प्रोपोर्शनल एक्सपेंस, कंसाइनी प्रोपोर्शनल एक्सपेंस में भी उसी तरह से अनसोल्ड स्टॉक इनटू यहां पर देखो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, यहां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, पूरा का डिवाइड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां पर ये हो जाएगा पूरा का जो डिवाइड होगा वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा। बेटा एक वर्ड हमने लिखा है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, है ना, तो यहां पर याद रखना कि जब भी कंसाइनी का प्रोपोर्शनल निकालो तो यहां पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेंगे। एक्सपेंस में कंसाइनमेंट को दो कैटेगरी बांटा गया, एक रिकरिंग और दूसरा क्या, नॉन रिकरिंग।
यहां बेटा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्या होता है? तो जो वन टाइम एक्सपेंस होता है, बार बार नहीं होता है, एक बार हो गया तो उसे हम लोग डैट मीन्स क्या बोलेंगे बेटा, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे मान लो कि कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा, तो अनलोडिंग चार्जेस हमने गोदाउन में रखाने के लिए जो अनलोडिंग चार्जेस कर रहे हैं उस गाड़ी से निकालकर गोदाउन में रख रहे हैं, तो बेटा वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, क्योंकि वहां से सामान आया तो वन टाइम ही अनलोडिंग होगा, बार बार अनलोडिंग नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर गोदाउन में रख रहे हैं और गोदाउन का जो रेंट हम दे रहे हैं तो वो रेकरिंग एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरह से सामान को बेचने के लिए हमें सेलिंग एक्सपेंस करना पड़ता है तो वो रेकरिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि वैसा एक्सपेंस जो वन टाइम हो कंसाइनमेंट के केस में तो वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होता है कंसाइनी के भी आप में, और जो बार बार रिपीट होते रहता है वैसे एक्सपेंस को हम लोग रेकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अभी मैं सारा लिस्ट इसका दे दूंगा, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या क्या होते हैं। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि कंसाइनी में नॉन रेकरिंग एक्सपेंस में कौन कौन से होते हैं और रेकरिंग एक्सपेंस कौन कौन से होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे ना कंसाइनी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, यहाँ नॉन रेकरिंग लेंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग डैट मीन्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और गलत करके आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ नॉन रेकरिंग लेना। कंसाइनर में ऐसा नहीं है, कंसाइनर में रेकरिंग और नॉन रेकरिंग से कोई मतलब नहीं है, केवल कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे। बच्चों नोट करो फिर आगे बताते हैं। चलो बट्टू देखो हमने क्या किया, कंसाइनर और कंसाइनी का एक्सपेंस हमने सारा लिस्ट आपके सामने लेकर आ गए। ये सारे लिस्ट को आपको याद रख लेना है। ऐसे भी तो हमने बताया कि जो वन टाइम एक्सपेंस होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, एक बार हो गए उसे हम लोग नॉन रेकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। जो रिपीट होते रहते हैं, मुझे बार बार एक्सपेंस होते रहता है, वो डैट मीन्स रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल ऑफ कंसाइनर एक्सपेंस का हमने लिया कैरेज आउटवर्ड, ये याद कर लेना बेटा, ऑक्ट्रे इंश्योरेंस पैकिंग फ्रेट। ऑक्ट्रे फ्रेट वही होता है बेटा जब एक गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने में जो एक्सपेंस लगता है उसे डैट मीन्स हम लोग ऑक्ट्रे या फ्रेट बोलते हैं, पैकिंग एक्सपेंस। ये सब कंसाइनर के एक्सपेंस हैं। उसी तरह से एग्जांपल ऑफ कंसाइनी एक्सपेंस में हमने दे दिया नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्जेस ये एक बार होता है, अनलोडिंग चार्जेस मतलब अनलोडिंग का मतलब क्या, जो लोड हो गया उसको उतारना, तो उतारना बेटा बार बार नहीं होगा ना, जो एक बार सामान आएगा उसको वन टाइम ही डैट मीन्स हम लोग अनलोडिंग करेंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब कोई गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या गुड्स बनाते हैं या गुड्स को डैट मीन्स दूसरे जगह भेजते हैं तो वहाँ पर एक तरह से कस्टम ड्यूटी लगता है बेटा। कौन सा ड्यूटी लगता है? कस्टम ड्यूटी। सपोज कर लो कि फॉरेन की कंट्री ही हमारे देश में बोलती है कि वहाँ से कोई प्रोडक्ट भेजिए। सपोज कर लीजिए कि USA से कोई प्रोडक्ट आया है और यहाँ पोर्ट जो है वेसल्स में आया है और वेसल्स में सी पोर्ट की जगह पर सामान रखा हुआ है, तो गवर्नमेंट हमसे कस्टम ड्यूटी लेती है कि जो बाहर देश से सामान आ रहे हैं, कंसाइन होकर आ रहे हैं, कंसाइनमेंट बन के आ रहे हैं और हम उसको डैट मीन्स इंडिया में सेल करेंगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमसे इंपोर्ट ड्यूटी या तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, या हम भेज रहे हैं किसी को, अगर बाहर देश से हमारे देश में सामान आ रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होंगे, और हमारे देश से दूसरे देश में सामान जा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसे दोनों को मिला दिया जाए तो वो कस्टम ड्यूटी हो जाता है। तो ये कस्टम ड्यूटी चार्ज होते हैं, ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, वन टाइम लगता है गुड्स पे। ऑक्ट्रे कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्ट चार्ज अप टू गोदाउन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट चार्ज अप टू गोदाउन, जब कंसाइनर गुड्स को डैट मीन्स क्या करता है, भेजता है, तो कंसाइनी के घर नहीं पहुंचा जाता है, कंसाइनी के घर नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचाता है और उस प्लेटफॉर्म से गुड्स को कंसाइनी लेकर आता है गोदाउन तक, माने उस प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए एक पार्सल ऑफिस है, मान लीजिए कि इंडिया की ही बात करते हैं, हमने डैट मीन्स गुजरात वाले को कंसाइन किया कि भैया मेरा सामान बेचो, तो गुजरात उसे गोदाउन तक तो नहीं पहुंचाएंगे, हम क्या करेंगे, एक ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा होगा तो ट्रांसपोर्टिंग जो स्टाफ है वहां तक पहुंचाएंगे, अगर रेलवे से पहुंचा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएंगे, अब वहां से वो सामान को उठाएगा और अपने गोदाउन तक ले जाएगा, तो उसमें जो चार्जेस होंगे वो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस होते हैं कंसाइनी के, चलो नॉन रेकरिंग चार्जेस होते हैं फ्रेट वही तरह से। अब देखिए रेकरिंग एक्सपेंस में क्या बेटा, गोदाउन रेंट, वेयर हाउसिंग, यही एक तरह से गोदाउन रेंट या वेयर हाउसिंग चार्जेस दोनों मिलता जुलता ही एक वर्ड है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस चार्जेस, ऑफिस का जितना एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी लीगल एक्सपेंस है सब कंसाइनी का जो है वो डैट मीन्स रेकरिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एजेंट सैलरी एंड कमीशन,
बेटा ये सारे रेकरिंग और नॉन रेकरिंग कमीशन को आप अच्छा से याद कर लेना, जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे कि अनसोल्ड स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने सारा कंसेप्ट दिया है, तो उस समय ये सारे चीज़ यूज़ होंगे, आपको अच्छे से याद रखना है। सीए फाउंडेशन में क्या होता है या सीमे फाउंडेशन में क्या होता है, कभी कभी इनसे क्या है डैट मीन्स क्वेश्चंस भी अराइज कर देते हैं कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करो, आपको दे देंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे, आपको चूज़ करना होगा, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंसाइनमेंट का एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप अच्छा से पढ़ो, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम लोग उसके डाउट को दूर करेंगे। चलो ओके।